ਜੀ ਤਾਂ ਗੋਇਆ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਗ ਓਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਪੈਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। मस्ताना के साथ ऐसा क्या हुआ था, कौन सा ऐसा वाकया था जिसने मस्ताना की ज़िंदगी को बदल के रख दिया। तो मस्ताना के भाई से भी हमारी बात हुई कुछ अर्सा कबल, उन्होंने भी सारी स्टोरी बताई। मस्ताना के साथ बेसिकली ये हुआ कि मस्ताना एक स्टेज प्ले कर रहे थे, उस दौर में नया नया डांस कल्चर आ चुका था, मुजरा कल्चर आ चुका था। तो उनके स्टेज पर उस थिएटर पर छापा पड़ा, जिसके बाद वो तमाम फनकारों को पकड़ कर ले गए। तो मस्ताना ने एक पुलिस वाले को, पुलिस अहलकार को ये कहा कि भाई मैं मस्ताना हूँ, अपना तारुफ करवाया, मस्ताना बहुत बड़ा फनकार। और मस्ताने को तो ये एहसास था कि वो एक बड़ा कॉमेडियन है, बड़ा फनकार है। तो जब मस्ताने ने अपना तारुफ करवाया तो उस अहलकार ने मस्ताने को थप्पड़ जड़ दिया। वो टाइम था, वो वक्त था जबकि मस्ताना की ज़िंदगी बदल के रख दी उस वाक़े ने, कि मस्ताने को ये एहसास हुआ कि मैं वो शख्स जिसने सारी ज़िंदगी काम किया, सारी ज़िंदगी थिएटर को दी, सारी ज़िंदगी लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी, और आज मेरी इतनी पहचान नहीं, मेरी इतनी वक़्त नहीं कि मेरा नाम सुनकर कोई मेरी हया करे, मेरी कदर करे। मेरा नाम सुनने के बावजूद मुझे थप्पड़ जड़ दिया गया। तो मस्ताने ने स्टेज को छोड़ दिया। थिएटर छोड़ने की जो मेन वजह मतलब बनी, वो एक लावा सा पकड़ा था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस टाइम वो काम कर रहे थे तो कमर्शियल थिएटर के दिनों में उन्होंने बड़ा पैसा कमा के दिया अपने प्रोड्यूसरों को, और ख़ुद भी अल्लाह का शुक्र है बड़ी इनकम थी उनकी। तो बहरहाल आपको पता है जैसा बाकी हमारे इदारों में, हत्ता के स्पोर्ट्स में और बाकी जगहों पे सियासत या जेलसी ये होती है, इसी तरह इस फील्ड में भी थी। बहरहाल अब किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन एक लॉबी थी जो उनके पीछे पड़ी हुई थी, तो वो बहाना तो फिर कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। हालांकि उस दिन, उस हफ्ते मैं हल्फन कसम कह सकता हूँ कि मैंने खुद, हम लाहौर में थे, मेरी टीम में क्रिकेट से मेरा ताल्लुक था, मैं रिलेटेड था क्रिकेट से, तो मैं अपनी टीम ले गया था। तो हमने ड्रामे देखे 3-4, सब में डांस था, सब में 4-4, 5-5 डांस थे। लेकिन वो भी मैं कसमन कह सकता हूँ कि जब मैंने जिस रात इनके थिएटर पे पुलिस ने रेड किया, उस दिन ड्रामे में एक भी डांस नहीं था। लेकिन क्योंकि वो प्लान था कि करने ही करने हैं, असल में वो चाह रहे थे कि इन्हें इतना डिसार्ड कर दें कि ये छोड़ के भाग जाएं। और पता होता है जो क्लोज होते हैं उन्हें पता होता है कि ये मतलब लड़ने लड़ाने वाला आदमी नहीं है, ये दे के खुश होता है, ले के खुश नहीं होता। तो बस फिर वही हुआ कि उन्होंने वो प्री प्लान एक रेड करवाया ड्रामे पर, जिसमें फिर पुलिस ने जो भी रवैया था पुलिस का, कहानियां तो बड़ी बनी, क्योंकि मैं तो सही रात इनके साथ था। अगले दिन जब कचहरी गए उस टाइम भी मैं इनके साथ था, वहां ज़मानत हुई, तो ज़मानत में भी मतलब कहने के कुछ सहाफ़ियों की और कुछ लोगों की बड़ी कोशिश थी कि किसी तरीके से इनकी हथकड़ी लगी तस्वीर कोई हम हासिल कर लें, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है भाई था, हमने पूरा कोशिश की कि इस किस्म की तस्वीर ना आए। तो बस फिर वो ज़मानत के बाद इनकी गाड़ी खड़ी हुई थी नाज थिएटर पे, जब हम नाज थिएटर में आए हैं तो हमने फिर उसी दिन उन्होंने मुझे जेदा कहते थे, जावेद नाम है मेरा, तो मुझे कहना कि जेदे उन्नी कम करना बस लेफ्ट। और उसके बाद बहुत फनकारों ने बड़ी कोशिश की, मिन्नत समाजत की, यहाँ तक कि उनके पास जिस प्रोड्यूसर की गाड़ी थी उन्होंने गाड़ी वापस कर दी। उन्होंने कहा कि मैंने अब ये काम करना ही नहीं, मैंने तौबा कर ली। जिस फील्ड में इंसान की इज़्ज़त ना हो उस फील्ड में काम करने का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने जितना अर्सा काम किया उसका मुझे कोई रिगार्ड नहीं मिला, क्या मुझे ये बदला दिया गया कि मुझे थप्पड़ जड़ दिया गया। मस्ताना दिल बर्दाश्ता होकर अपने आबाई इलाका बहावलपुर में चले गए, जहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी 5-7 साल थे वो गुजारे। और मस्ताना की ज़िंदगी में फिर एक तब्दीली आई कि मस्ताना पहले भी ज़रा फ़कीरी सिफ्त रखते थे, तो मस्ताना अल्लाह लोग बन गए, मस्ताना अल्लाह की राह पर चल पड़े। मस्ताना ने सुनते रसूल रखी, दाढ़ी रखी, उनके चेहरे पर दाढ़ी माशाल्लाह बड़ी
सूट की। उन्होंने बहावलपुर जाकर काम भी किया, उन्होंने एक स्पोर्ट्स शॉप की बुनियाद भी रखी जहाँ से वो अपना रोज़गार कमाते थे। फिर अचानक वो बीमार हो गए, हेपेटाइटिस ने उनको आ घेरा, तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। वो बहावलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में एडमिट हो गए। तो लेकिन जब उनकी बीमारी ज़्यादा हो गई और हालात भी ख़राब थे, तो उनके जानने वालों ने बहुत कहा कि इमदाद के लिए अपील की जाए, लेकिन मस्ताना की ये सिफ्त थी कि वो इतना आला ज़र्फ रखते थे। तो मस्ताना ने ये कहा कि मैं किसी किस्म की इमदाद नहीं चाहता, मैंने जितना अरसा काम किया मुझे उसके पैसे मिले, अगर मैं पैसे नहीं जोड़ सक पाया या मेरे से पैसे नहीं जुड़े तो ये मेरा फॉल्ट है, ये हुकूमत का फॉल्ट नहीं, ये किसी और का फॉल्ट नहीं। इसलिए आज अगर मेरे मुझ पर बुरा वक्त है तो मैं बिल्कुल इमदाद की अपील नहीं करूँगा, और मैं जैसा भी मेरे ऊपर वक्त है मैं इसी में ज़िंदगी गुजारना चाहूँगा। एक चीज़ से उन्हें नफरत थी, वो ये कहते थे कि ये जो इमदादी खबरें लगती है ना आर्टिस्टों की, बड़ा चिढ़ते थे। उनके दो चार कुलीग थे जिनकी ये खबरें अक्सर लगती रहती थी अखबारों में कि इमदाद हूँ, तो वो यही कहते थे, कहते यार हमने इतना पैसा कमाया आखिर में फिर हम लोगों से भीख मांगे, तो बड़ा वो इस बात से मतलब ना उन्हें तकलीफ़ होती थी। उनके करीबी साथी थे तो कहते मुझे इनके रवैये की नहीं समझ आ रही। तो अस्पताल का हमने जब प्लान किया कि इन्हें अस्पताल दाखिल करवाते हैं, तो सुहेल अहमद साहब क्योंकि हमारे भाई हैं, हमारा वो हमारी समझे एक फैमिली है, उनके छोटे भाई मेरे क्लास फेलो थे, ये मेरे भाई के मतलब छोटे भाइयों की तरह थे, तो इनके बड़े भाई थे सुहेल साहब के, वो भी हम बड़ा प्यार करते थे सुहेल मुस्तान साहब के साथ। तो फिर हमने सिर्फ उन्हें बताया इनकी बीमारी के बारे में ना, तो इन्होंने बड़े बेचारे रंजीदा थे ये, इन्होंने मतलब टू बी फ्रैंक ये ज्यादती है कि किसी की मोहब्बत का उसका जिक्र ना किया जाए, तो इन्होंने हमसे कोऑर्डिनेशन भी रखी और मतलब अपने बड़ा भाई समझ के ये उनके लिए कुछ ना कुछ करते भी रहे। तो यहाँ जब दाखिल कराया तो इन्होंने कहा यार किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैं अस्पताल में दाखिल हूँ, तो लेकिन वो ज़ाहिर है यहाँ वो जीजो कह रहे हैं किसी तरीके से वो दुनिया न्यूज़ वालों को पता चल गया, तो ज़ाहिर भी वो सिलसिला शुरू हो गया अस्पताल में। बस वो दो जैसे ही उसका पता चला दो दिनों में वो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे भाई की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक आखिरी दिन तक भी हमें गवर्नमेंट का एक आना उनकी ज़िंदगी पे नहीं, उनकी सेहत पे नहीं लगा। लेकिन क्योंकि वो जब खबरें वबरें लगी तो फिर वो ज़ाहिर है एक फॉर्मेलिटी होती है, फिर वो जो होता है MS आ गया, जो हॉस्पिटल के MS थे वो आ गए, और जो हजरात थे प्रिंसिपल साहब आ गए QMC के, उन्होंने ज़ाहिर फिर वो लिखा चार्ट वार्ट पे भी इनकी जो पैसे वैसे इन्होंने जमा कराए हुए वो वापस करें। बस तकलीफ दे जो चीज़ थी पूरे उसके दौरान उनकी वफात के बाद, कुछ लोगों ने उनके नाम पे यूरोप में भी बड़े फंड इकट्ठे किए, और यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ नामवर किस्म की ख्वातीन ने बड़ा अनाउंस किया कि जी हमने उनके बच्चे की वो ले ली है, वो क्या होती है उसके परवरिश की, मतलब इस किस्म की फजूल किस्म की गुफ्तगू। और मस्ताना ने बिल्कुल किसी इमदाद की अपील नहीं की, इवन कि उन्होंने अपनी बीमारी का भी किसी को पता नहीं लगने दिया। वो तो वफात से चंद दिन पहले किसी रिपोर्टर को पता चला दुनिया न्यूज़ के, तो उसने जाके वहाँ पर रिपोर्ट बनाई, तो वो जब रिपोर्ट ऑन एयर हुई टेलीविज़न पर तो वो इंतहाई दर्दनाक मनाजर थे कि वो फनकार जिसकी एक झलक देखने को लाखों लोग तरसते थे, जो स्टेज पर आता था तो तालियों की गूंज होती थी, उस फनकार को इतनी बुरी हालत में देखा गया कि दिल खून के आंसू रोया। मैं ख़ुद मस्ताना का बहुत बड़ा फ़ैन था, मेरे लिए भी वो इंतहाई अजियतनाक मनासिब थे कि मैंने मस्ताना को किस हाल में देखा। और उसके बाद मस्ताना इस दुनिया से रुखसत हो गए, और ये एक दर्दनाक अंजाम था मस्ताने का, जो कि बहुत ही बुरा वक्त, लेकिन आखिर में जो उन्होंने अल्लाह से रजू किया, सुनते रसूल रखी, अपनी ज़िंदगी को मुड़ा, ये बहुत पॉजिटिव था। अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और एक और वजह, एक और बात मुझे याद आ गई कि मस्ताना के साथ एक फ्राड भी हुआ, मस्ताना के साथ धोखा भी हुआ,
मस्ताना के साथ धोखा ये हुआ कि मस्ताना ने लाहौर जोर टाउन में एक प्लाट लिया था जिस पर कब्ज़ा हो गया और मस्ताना ने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से वो कब्ज़ा छुड़वाया जाए। मस्ताना की ज़िंदगी में ये नहीं हो सका। इवन कि उनके जाने के बाद उनकी फैमिली की तरफ से बड़ी कोशिश की गई लेकिन वो अब तक कब्ज़ा नहीं छुड़वाया जा सका। अब भी मस्ताना का वो प्लाट पर कब्ज़ा है। जो जमा पूंजी थी मस्ताना की वो चली गई, इसी तरह प्लाट पर कब्ज़ा हो गया। अनवर अली साहब ने एक और होते थे अनवर खान, पता नहीं इस किस्म का नाम था, वो प्रॉपर्टी का काम करते थे जोहर टाउन वाली साइड पे। तो उन्होंने इन्हें एक प्लाट लेके दिया, उन्होंने इकट्ठा कोई रकबा था वो लिया, उसमें से चार बंदे थे, मुझे आबिद खान साहब का नाम याद है और नहीं मेरे जहन में, तो वो इनका भी था उनका भी था। तो इन्होंने वो प्लाट बनाया, मतलब प्लाटिंग उसकी होनी थी, तो इनके इनका 20 मरले बनता था, एक कनाल इनकी जगह थी, बाकी आबिद खान साहब की थी। तो रजिस्ट्री वगैरह हो गई, सब कुछ पेमेंट वेमेंट इन्होंने कर कुछ दिया, रजिस्ट्री इनके नाम हो गई। तो इसी दौरान ये चुबुर्जी रहते थे, तो ये वहाँ चुबुर्जी में एक दफ़ा कोई गंदा नाला टूटा, पता नहीं क्या हुआ, ये बारिश थी तो इनके घर में भी पानी आ गया ना, तो इनकी वो जो रजिस्ट्री थी ना वो कहीं ख़राब हो गई पानी से ना, तो इनका कहीं बैठना उठना था वहाँ जो टोन में कोई आली शाह सरकार इस नाम इस तरह के, क्योंकि ये तो दरवेश सिफत इंसान थे, इतवार करते थे, तो वहाँ ये बैठते थे। तो इन्होंने कहीं उनसे कहा, वो जो थ्री फैमिली या जो वो जो थे उस इलाके के किंग, कि ये मेरे कागज़ तो शाहजी सीधे करवा दो। बस उन्होंने सीधे फिर ऐसे करवाए कि सीधे अपने भतीजे के नाम ही करवा दिए। इसके अलावा मस्ताना के साथ एक और फ्रॉड भी हुआ। एक साथी अदाकार ने उनके साथ फ्रॉड किया और उस फ्रॉड ने भी बड़ा दिल बर्दाश्ता किया मस्ताना को, लेकिन मैं उन फनकार का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं इस फ्रॉड की तफसील में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि वो फनकार भी इस दुनिया से जा चुके हैं। तो इसलिए मस्ताना बहुत बड़े फनकार, बहुत लेजेंडरी फनकार थे, बहुत ज़बरदस्त फनकार थे, उनके साथ ऐसा हुआ। इसके अलावा जब उनके भाई से हमारी बात हुई तो उनके भाई ने एक और बहुत बुरी बात और दुखी बात सुनाई कि जब मस्ताने का इंतकाल हुआ तो 33 साल 34 साल उनके साथ काम करने वाले अमानुल्लाह खान ने एक बार भी फ़ोन नहीं किया ताज़ियत के लिए, उनके इंतकाल पर अफसोस के लिए उनके अहले खाना को फ़ोन नहीं किया। उनके जो सबसे बड़े साथी थे, जो थिएटर की दुनिया का बहुत बड़ा नाम थे, मुझे नाम लेने में अब कोई इसलिए हर्ज नहीं है कि एक्सपोज करना चाहिए उन लोगों को, अमानुल्लाह जिन्होंने उनके साथ कम अज़ कम 20 साल काम किया, 20 साल उस शख्स ने फ़ोन तक नहीं किया अफसोस का। बाकी देखिए जी, बात यह कि बैठ के कहीं जहाँ कैमरा आ जाता है वहाँ तो बड़ी बड़ी बातें करने को दिल चाहता है, लेकिन मसान साहब के बेटे के साथ या मेरे साथ उन्होंने मतलब अफसोस तक करने की, मतलब कहने का अफसोस तक नहीं किया, जिसकी बड़ी तकलीफ़ है। सुहेल साहब थे, उन्होंने फौरन ही जैसे ही उन्हें पता चला, सुहेल अहमद जवाज वसीम साहब, उन्हें जैसे ही पता चला तो उन्होंने मुझे फौरन कहा कि भाई मसाना साहब का जनाजा नहीं रखना हमारे आए बगैर, उन्होंने रखा भी नहीं, वो आए तो उन्होंने जवाब साहब ने जनाजा पढ़ाया। ये बस यही तकलीफ दे चीज़ें हैं। और उन्होंने ये सिफ्त बयान की, अच्छाई बयान की सुहेल अहमद की और जवाद वसीम साहब की, कि जब इनको इंतकाल का पता चला तो इनका फ़ोन आया कि जी हमारा इंतज़ार किया जाए, हम आएँ और फिर जनाजा पढ़ाया जाए। तो फिर सुहेल अहमद और जवाद वसीम भावलपुर गए तो फिर इनकी मौजूदगी में जनाजा हुआ और जवाद वसीम ने ही मस्ताना का अपने साथी फनकार का जनाजा पढ़ाया। और इसके अलावा सुहेल अहमद के बारे में उनके भाई ने बताया कि सुहेल अहमद स्टेज के वाहिद फनकार थे जो कि मसलसल राबता में रहे, और जब जब मस्ताना की तबीयत ख़राब होती गई वो राबता में रहे, उन्होंने जितनी अखलाकी सपोर्ट कर सकते थे उन्होंने की और हर हवाले से उन्होंने मदद की। और ये वो सुहेल अहमद साहब की सिफ्त बताते हैं उनके भाई के, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। तो मस्ताना इस तरह दुनिया से चले गए, आप भी उनकी बख्शिश के लिए दुआ करें, उनकी मगफरत के लिए दुआ करें। और मस्ताना की फैमिली के बारे में बताता चलो कि मस्ताना की बीवा बहुत ही वो भी अल्लाह लोग खातून है और अल्लाह उनकी हयाती करें, वो अपने बच्चों के साथ बहावलपुर में मुकीम है। और मस्ताना के एक बेटे थे वो माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान है और वो कंप्यूटर साइंसेज में बहावलपुर से ही
یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے اور اپنے باپ کا نام روشن کریں گے. تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.